हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और एक्सेल के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वो क्या है दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक्सेल मैंने ओपन किया और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस और टोटल क्वांटिटी भी है और टोटल भी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, ये तो एक छोटी सी रेंज है हमारे पास, आपके पास इससे बड़ी रेंज भी हो सकती है। इनकेस अगर बड़ी रेंज हो तो आप कैसे टोटल कैलकुलेट करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका टोटल क्या आया, ठीक है। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है साफ साफ, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्यों ना एक ड्रॉप डाउन बना लिया जाए। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, तो ड्रॉप डाउन के लिए हम जाएंगे डेटा टाइप पर, और डेटा टाइप पर जाने के बाद यहाँ से आएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये दिया गया इस तरीके से, तो यहाँ पे लिस्ट चूज करना है और यहाँ पर क्लिक करके और ये सारे नेम्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के नेम के ही बेस पे हम सर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये नेम नजर आएंगे, ठीक है, अलग अलग चीजों के नेम है, ठीक है, कुछ नेम रिपीटेड भी हैं, तो जो भी नेम है वो नजर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है आपको डी सम का। क्या लगाना है, डी सम। तो यहाँ पे देखिए डी सम जैसे ही टाइप करेंगे ये आ जाएगा और यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब नीचे करा डेटाबेस, तो डेटाबेस में आपको क्या करना है, ये पूरा ही डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब कॉमा लगाना है। मान लीजिए कि हमको टोटल खोजना है, क्योंकि टोटल ही यहाँ लिखा हुआ है, हमको टोटल ही ढूंढना है, तो हम यहाँ टोटल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, जैसे ही टोटल को सेलेक्ट करते हैं तो कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद हमें क्राइटेरिया देनी है, तो क्राइटेरिया में क्या देंगे, तो क्राइटेरिया में इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये दोनों सेलेक्ट कर लिया, अब इसको बंद कीजिएगा और एंटर करिएगा। तो यहां पर एक टोटल आपको दिख रहा है, लेकिन अभी हम यहां से अब चूज करेंगे। देखिए यहां पे गए और यहां से मान लीजिए हमने चूज किया हेडफोन, ठीक है, तो हेडफोन कुल मिला के 6520 रुपए का जो भी है सेल हुआ है या परचेज हुआ है, जो भी है हुआ है। अब ये कैसे पता कि 6520 रुपए का ही हुआ है, तो देखिए यहां पर देखिए ये हेडफोन है और हेडफोन का टोटल जो सेल है वो आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे मैं इसे एक डिफरेंट कलर से भी हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ये यहाँ पे हेडफोन है और यहाँ पर हेडफोन है, देख लीजिए दोनों का अमाउंट भी आप मैच कर सकते हैं, क्या अमाउंट रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2500 है, यहाँ पे 4020 रुपए है, तो हम क्या 2500 और 4020 को अगर ऐड कर दें तो ये हमारा टोटल आ सकता है। तो यहाँ देखिए 2500 और 4020 है ना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस 4020 कर देते हैं, तो ये हो गया ये, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है, 6520 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए इसमें कमाल की चीज ये है कि जैसे इस ड्रॉपडाउन से आप कुछ दूसरा सेलेक्ट करेंगे, लाइक ईयरफोन सेलेक्ट करते हैं, तो ईयरफोन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ना तो ईयरफोन वाली टोटल आ जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर 2400 है और यहां पर कितना है, 13200 है, ठीक है, तो 2400 और 13200 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जोड़ के भी दिखा देता हूँ आपको, 13200 और प्लस 2400, तो दोनों को जोड़ देते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए 15600 आ रहा है। तो ये बड़ा कमाल का फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो ईयरफोन है, अगर मैं इसे चेंज करता हूँ और यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, ठीक है, हेडफोन दिया है, ईयरफोन दिया है, मोबाइल दिया है, तो अगर मैं मोबाइल कर देता हूँ, देखिए ये मोबाइल किया तो मोबाइल का 4,70,000 रुपए आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं कि 4,70,000 है कि नहीं मोबाइल का, तो यहाँ पे देखिए ये पहला, यहाँ पे देखिए मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ एक डिफरेंट कलर से ताकि आपको देखने में सुविधा हो, ये है और फिर यहाँ पर भी मोबाइल है, तो इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4,70,000 ही आएगा, तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और प्लस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करते हैं और फिर एंटर करते हैं, तो देखिए 4,70,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड नेटवर्क सॉल्यूशन चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।